हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 4। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब व्हेन एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 3/2। हमें एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू गिवन है और हमने एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है सोल्यूशन। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यूज़ फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो x है और वन ओवर x है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे a और b के साथ। तो हमारे पास इस तरह आएगा, x माइनस वन ओवर x होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वन ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो ये एक्स और ये एक्स ये कैंसिल होते हैं, क्या रहता है एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो x माइनस वन ओवर x की वैल्यू है 3/2। तो इस तरह हो जाएगा 3/2 होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस वन ओवर x क्यूब माइनस 3 इंटू 3/2। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्यूब ये 3 पे अलग लगाएंगे और 2 पे अलग, तो 3³ बराबर है 27 के, यानी 3 × 3 × 3। फिर 2 पे अलग लगाएंगे तो 2³ बराबर है 8 के इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब। फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा −9/2। फिर अगले स्टेप में −9/2 इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +9/2 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब। इसके बाद अगले स्टेप में 8/2 इसका हम एलसीएम लेंगे, तो 8/2 का एलसीएम 8 है। फिर पहला डिनोमिनेटर यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आए, तो वो नंबर 1 है, तो 1 को हम नोमिनेटर 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस है, 2 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8 आए, तो वो नंबर 4 है, तो 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आता है 36 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब। फिर 27 और 36 को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 63/8। तो ये हुआ इसका आंसर। पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल यही तरीका है और यही फार्मूला है, इसको आप खुद ट्राई कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।